आइए बच्चों, आज हम लोग एपिसोड 8 डिस्कस करते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने कल होमवर्क में भी दिए थे, 14, 15 और 16 क्वेश्चंस आपको करने के लिए। तो देखते हैं कितने बच्चों से हुआ है वो होमवर्क। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या मिस्टेक्स की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 14, 15, 16 तीनों क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप लोग लैग कर गए होंगे। तो क्वेश्चन 14 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 14 इज एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर ₹5 लाख, ₹5 लाख एंड 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। एक्स की कैपिटल 5 लाख, वाई की कैपिटल 5 लाख और जेड की कैपिटल 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउ करना है, 10% पर एनम। जेड इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। जेड को सैलरी देना है ₹2,000 पर महीने का। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी वॉज ₹4 लाख। अब देखिए भाई, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको सब बातें समझ आ गई होगी भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है वहां तक समझ आता है, सैलरी देनी कल तक डिस्कस किया था। इस बार क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो जेड की सैलरी चार्ज करने के बाद का है, मतलब जेड की सैलरी देने के बाद ₹4 लाख का प्रॉफिट आया। क्या मुझे जेड की सैलरी के बाद वाला प्रॉफिट चाहिए होता है या पहले वाला प्रॉफिट चाहिए होता है? तो आइए जरा समझिएगा इस टॉपिक को। देखिए जी, हमने जो कल आपको फॉर्मेट समझाया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, उस फॉर्मेट में जितने भी आइटम्स मैंने लिखवाए थे, उस फॉर्मेट में मैंने जितने भी आइटम्स आपको लिखवाए थे बेटा, उन सब आइटम से पहले वाला मुझे प्रॉफिट चाहिए होता है, जो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट लिखता हूं क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया वो, ये कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए भाई? ये नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे आइटम्स को छोड़ करके जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आते हैं। ठीक है, तो बेटा जेड को जो सैलरी देनी है वो ऑब्वियसली बात है सर डेबिट साइड में आएगा, पार्टनर को पे किया गया कोई भी रेमुनरेशन पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, मुझे प्रॉफिट कौन सा चाहिए, प्रॉफिट बिफोर एनी आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मेरे पास इस बार क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दे रखा है वो कौन सा प्रॉफिट दे रखा है, वो प्रॉफिट दे रखा है जेड की सैलरी के बाद, यानी ₹4 लाख का जो प्रॉफिट है ये इस तरीके से मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है। इसमें मुझे ऐड करनी है, क्या ऐड करनी है, जेड की सैलरी, जो जेड की सैलरी माइनस करने के बाद का प्रॉफिट आया वो क्वेश्चन ने दे रखा है। तो जेड की सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट कितना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कह दूं कि ₹24,000 मैंने जेड को सैलरी दिया और सैलरी देने के बाद मेरा प्रॉफिट 4 लाख आया, तो आप कहोगे सर सैलरी देने से पहले प्रॉफिट 4 लाख 24,000 बनता है, 4 लाख का प्रॉफिट जो सैलरी चार्ज करने के बाद आया और सैलरी ऐड कर दोगे तो आपका टोटल जो प्रॉफिट बनता है वो 4,24,000 आ जाएगा। तो वैसा ही यहां करना है, जेड को जो सैलरी देनी है वो क्वेश्चन ने बताया 2,000 पर मंथ देना, क्या लिखा है, जेड को सैलरी जो है वो 2,000 पर मंथ देनी है। तो 2,000 × 12 के हिसाब से जेड को जो सैलरी दी होगी वो हमने 24,000 दी होगी, 4,24,000 को अगर मैं प्लस कर दूं तो 4,24,000 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, जो मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट होगा। डिविजिबल मतलब मैं इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। ठीक है, तो एक ये बात न्यू थी इस क्वेश्चन में। अब एक और बात आती है इसके आगे, नहीं अभी इस बार इस वाले क्वेश्चन में तो और बात नहीं है, 15th क्वेश्चन में इसी में एक चीज और ऐड होगी, वो डिस्कस करेंगे 15th क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, पहले 14 की बात कर लेते हैं। इतना समझ आ गया। अब मेरे पास मुझे क्वेश्चन ने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, तो लीजिए जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्या नाम लिखा जाएगा इसमें, टू पार्टनर्स के नाम, जैसे ये एक्स एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा तो एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल और जेड का कैपिटल। आप चाहो तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लो इनकी कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट की रेट है वो है 10% पर एनम, है ना। तो इन्होंने 10 लाख लगाया तो 10 लाख का 10% कितना होता है, 10 लाख का 10%, सॉरी 10 लाख नहीं है, इनकी कैपिटल है 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000 आ गया, 50,000 एक्स का, ऐसे ही 50,000 वाई का
देखिए कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेशन या जो ब्रैकेट में लिखी है इसको हटा देता हूँ। मैं आपको एक कैलकुलेशन ऐसे करके बता देता हूँ कि कैसे किया मैंने। 5 लाख का 10% मैंने कैलकुलेट किया है ये एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप ऐसे ही इनकी जो रेस्पेक्टिव कैपिटल है वो लेकर के 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000 है। आप तरीका समझ रहे हो ना किस तरीके से हमें इनर साइड में लिखना है अमाउंट और फिर टोटल अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट मुझे जो लाइन दी गई है वो सैलरी की दी गई थी। देखो जेड की सैलरी चार्ज कर दी थी उसके बाद का प्रॉफिट था, हम प्रॉफिट को जेड की सैलरी चार्ज करने से पहले वाले प्रॉफिट पे लेके आए, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे जेड को सैलरी अब देनी होगी। टू एस लिख दीजिए सैलरी, और सैलरी के बाद नीचे जेड कैपिटल। तो हमने पढ़ा हमें 24,000 × 12 जैसे ये वाली अमाउंट निकाली थी मैंने, 24,000 रुपीज मुझे जेड को देना है। आप ऐसे मल्टीप्लाई करके शो कर देंगे 24,000 की सैलरी, ठीक है। क्वेश्चन में और कोई आइटम नहीं दे रखा है, किसी प्रकार का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं है जो पार्टनर को मुझे देना है। केवल 2 आइटम देने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, ठीक है। एक बार सुन लेना, फिर एक और तरीका मैं बताऊंगा इसको और कैसे हम लोग कर सकते थे क्वेश्चन को। तो हमारे पास 4,24,000 है, माइनस करेंगे, यहां मेरे पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू आ जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। एक्स वाई और जेड, अब आप देखेंगे प्रॉफिट कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। देखिएगा 4,24,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, इसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, 24 चला जाएगा तो 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख में से 1 लाख गया तो 3 लाख, 3 लाख में से 25 गया 2,75, 275 इसका रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा। और टोटल अगर आप मानोगे तो 1,49,000 आप इसको लेस करोगे तो 275 आएगा। अब 275 को मुझे जो डिवाइड करना है, क्वेश्चन में एक रेशियो दिया है 2:2:1, तो बेटा ये जो 2,75,000 का वैल्यू आया मेरे पास, इसको मैं कैसे डिवाइड करूंगा 2:2:1 में। तीन पार्टनर्स मैंने बताया आपको, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका समझिएगा। ये जो प्रॉफिट है इसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 2, 2 और 1, ठीक है। बचपन में अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा हो मैथमेटिक्स में, थर्ड फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में फ्रैक्शन वाला एक चैप्टर आता है मैथ्स में, अगर आपने वो पढ़ा हो तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। जरा समझिएगा, ये एक्स का हिस्सा, ये वाई का, ये जेड का। मैं एक्स का हिस्सा निकाल रहा हूँ, जरा कैलकुलेशन देखना, पहले एक्स के हिस्से की कैलकुलेशन निकाल रहा हूँ। 2,75,000 का जो प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय एक्स का हिस्सा, एक्स का हिस्सा है टू पार्ट, टोटल पार्ट कितने हैं 5, 2+2+1 टोटल 5 पार्ट, तो इसमें से 2 पार्ट किसके हैं एक्स के, तो इंटू 2 / 5 इंटू 2 / टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तो टोटल 5 हिस्से कर रहे हैं, उसमें से दूसरा हिस्सा जो है वो किसको देना है एक्स को। इस तरीके से एक्स का हिस्सा सेम वाई का हिस्सा, प्रॉफिट तो ये रहेगा 2,75,000, अब वाई का हिस्सा कितना आएगा अगेन 2, तो 2/5, और जेड का हिस्सा 2,75,000 इंटू 1/5, तो जो भी आंसर आता है इनका वो आप लिख लेंगे। एक बार मैं बता देता हूँ, 5,25 एक बार कटेगा, फिर 1,10,000 और 55,000, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,10,000 का प्रॉफिट इसे, 1,10,000 का प्रॉफिट इसे, और 55,000 का जेड को मिलेगा, ये आ जाएगा आपके पास 2,75,000 का प्रॉफिट। दिस इज वर्किंग नोट है ना, ये मैंने कैलकुलेशन आपको यही शो किया जस्ट बिकॉज मेरे पास बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है, मैंने वर्किंग नोट को यही बना दिया कि कैसे प्रॉफिट शेयर किया जाता है वो मैंने बताया। आप टोटल कर लीजिए, इधर का टोटल 424 आ रहा है और इसका भी टोटल 424 आ रहा है। एक बार सब बच्चे ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसे अपने पास एक एसएस लेकर के नोट कर ले। एक बार ये राइट हैंड साइड वाली चीज बताना, उसमें मेरा नेटवर्क इशू हो रहा था, तो ये कैसा है, क्या कह रहे बेटा, राइट हैंड साइड वाली चीज बताओ एक बार। हाँ बताऊंगा, राइट हैंड साइड वाली, ये वाली ना जेड सैलरी वाली बात ना। यस सर। हाँ यस सर, वेट करो एक बार एसएस लो इसका। ओके ले लिया होगा। सुनिए, जो राइट हैंड साइड में मैंने पोस्ट किया है, यानी राइट हैंड साइड में जो मैंने 24,000 ऐड किया है, बेसिकली आप इसी का रीजन पूछ रहे हैं कि सर ये 24,000 ऐड क्यों किया है। आप अपनी
बुक में जरा अंडरलाइन कीजिएगा ये लाइन जो मैं आपको वापस पढ़ करके सुना रहा हूँ, लिखा है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। आफ्टर डेबिटिंग वर्ड को आप अंडरलाइन करिए, आफ्टर डेबिटिंग। देखो मैं आपको एक चीज लिख करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जेड की सैलरी को डेबिट करने के बाद मेरे पास 4 लाख का प्रॉफिट आया। तो जेड की सैलरी मैंने डेबिट कहां की? इससे पहले जो मैं अकाउंट बनाता था, इससे पहले कौन सा अकाउंट बनता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने जेड की सैलरी को ऐसे लिख दिया है, तो क्या वो सही है? क्या जेड की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी क्या? नहीं सर, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? कल मैंने आपको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस समझाया था। यस सर। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बेटा? जो भी एक्सपेंसेस पार्टनरशिप फॉर्म पे कर रही है पार्टनर को, अब चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में हो, सैलरी हो, कमीशन हो, बोनस हो, वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आएंगे। केवल दो आइटम्स को छोड़ करके, एक रेंट पेड टू पार्टनर और एक इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दो आइटम्स पीएनएल अकाउंट में ही जाएंगे, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रेट होते। तो जेड की सैलरी जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, इसीलिए जो मिस्टेक हो गई उसको रेक्टिफाई किया है हमने। ये एडजस्टमेंट एक तरीके से 11th क्लास में जो हमने पढ़े है ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो पढ़ते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का फाइनल अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है वो हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये बाय मिस्टेक हमने जेड की सैलरी माइनस कर दी है। आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी मतलब माइनस करने के बाद 4 लाख रुपए का प्रॉफिट, जेड की सैलरी माइनस करने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट। तो मैं कह रहा हूँ जेड की सैलरी से पहले का प्रॉफिट मुझे चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि वही प्रॉफिट मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। ये 24,000 देखो अब यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है? दिस इज द रीजन, दिस इज द फैक्ट रीजन। अब इसमें ना एक चीज और है, पता है क्या? डेबिटिंग की स्पेलिंग में ई गलत लिख दिया मैंने। इसमें पता है एक चीज और है, क्या है जी? कुछ बुक्स के ऑथर्स, और अगर मैं बात करूं जो एनसीईआरटी की बुक्स भी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक आती है, एक्चुअल टेक्स्ट बुक, वहां पर एक इसको करने का एक तरीका और दे रखा है। क्या तरीका दे रखा है? वो कहते हैं कि जेड की सैलरी अगर आपने डेबिट कर दी है तो क्वेश्चन ये तो बताया नहीं कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया, भाई ये तो नहीं बताया ना, डेबिट कर दी। तो वो इसको किस तरीके से करते हैं जरा समझिएगा। वो कहते हैं जेड की सैलरी अगर डेबिट हो गई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ पे एड मत करो। आप क्या करो, डायरेक्टली यहाँ पे 4 लाख रुपए लिख दो, जो बाहर प्रॉफिट आ रहा है ना ये डायरेक्टली 4 लाख रुपए लिख दो। दिस इज सेकंड अल्टरनेटिव। और यहाँ पे आप सैलरी डेबिट में मत लिखो क्योंकि आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, तो इस सैलरी को मैंने डेबिट से हटा दिया। और अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। दिस इज दी अनदर अल्टरनेटिव व्हिच इज एक्सेप्टेबल बाय सम टीचर्स। मैं ये नहीं कह सकता कि कौन टीचर इसे सही करेगा, कौन टीचर इसे गलत करेगा, ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये भी ठीक है कि अगर आपने 4 लाख रुपए लिख दिया और बोल दिया जेड की सैलरी देने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है, तो कोई बात नहीं, बाकी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, जेड की सैलरी दे चुके हो मत लिखो, प्रॉफिट ट्रांसफर दो। आप 4 लाख में से 1,25,000 माइनस करो तो भी 2,75 ही आता है। समझ आया? दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव। एसएस लेने बच्चों इसका भी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये समझ आ गया। आप अगर किसी बुक में पढ़ो इसको इस तरीके से तो घबराना मत, वो उस ऑथर के अकॉर्डिंग सही है, ठीक है, एनसीईआरटी एक्सेप्ट करता है इसे, ठीक है। तो चलिए जी आगे चलते हैं, इसे हटा देते हैं यहां से। किसी बच्चे को 14 क्वेश्चन में और डाउट रह गया है क्या? चले आगे बढ़े। चलिए, आपको मैंने कहा था कि हर दिन आपको कुछ नया सीखना है, तो बेटा अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये सब चीजें हर दिन आपके नॉलेज को एनहांस करती जाएगी। आज देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 15, उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी। अब इसी कॉन्सेप्ट में एक नई चीज ऐड हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 भी कहता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन 15 कहता क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, ओके। नेक्स्ट इज विद कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। एक्स का कैपिटल 8 लाख है और वाई का कैपिटल 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% पर एनम के अकॉर्डिंग हमें देना है।
ठीक है, वाइज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 60,000, वाई को सालाना सैलरी 60,000 देना, अब यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर, जब पर मंथ आता है सैलरी तभी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना, थोड़ा सा इन टर्म्स पे आपको ध्यान देना है। विच हैज नॉट बीन विदड्रॉन, इसका मतलब क्या है, आप कंफ्यूज रहेंगे, सर ये 60,000 रुपए की सैलरी आपको देनी है वाई को और वाई से बिजनेस से निकाल नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं निकाल रहा है तो अच्छी बात है, पड़ी रहने दो बिजनेस में, सर अगर निकाल रहा होता तो क्या करते, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इफेक्ट पड़ता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी 2,40,000। अब समझना, अगेन वो वाली बात आ गई कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से तो पहले का है, बिफोर यानी उससे पहले का है, बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद का है 2,40,000, तो हमने वाई की सैलरी चार्ज कर दी है और फिर 2,40,000 का प्रॉफिट आया, तो हम वापस से वाई की सैलरी ऐड करेंगे 60,000। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड हो गई, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, प्रोविजन जो है वो 5% बनाना है हमें, किस पे, नेट प्रॉफिट पे, जो मैनेजर को देना है। अब आपको मैनेजर कमीशन वाली बात 11th क्लास की थोड़ी सी याद होगी, आफ्टर चार्जिंग और बिफोर चार्जिंग वाली बात आती थी, अभी फिलहाल यहाँ पे वो आफ्टर और बिफोर वाली बात नहीं, बस बोला 5% नेट प्रॉफिट पे मैनेजर को कमीशन देना है। अब आप कहोगे सर नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, तो अब जरा इस ट्रिक को समझना बच्चा, मैं आपको इस क्वेश्चन को दो अलग अलग ऑल्टरनेट से करवाऊंगा, मतलब दो तरीके बताऊंगा जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, आप उसे फॉलो कर सकते हैं भाई। देखिए पहला जो ऑल्टरनेट है इसे मैं कहूंगा ऑल्टरनेट नंबर 1, इसमें मैं सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस, मैं पढ़ा तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रहा हूं, बट इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा है। इसने पूछा नहीं है, इसने पूछा पता है क्या है, इसने पूछा है मेरे से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए, बट मैं आपको ये ऑल्टरनेट सिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं आपको ये भी चीज करके बता रहा हूं, ठीक है, जरा देखिएगा। सबसे पहला काम, आपके पास प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 2,40,000, अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉफिट इज 2,40,000 आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में वाई की सैलरी को डेबिट कर दिया। आप मेरे शब्दों पे जाना बेटा, आपको इसके आंसर्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, काफी सारे टीचर्स आपको बता देंगे इसके आंसर्स, बट बेटा इनको समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट चाहिए ना वो आप मेरे साथ ही सीख सकते हो, है ना, तो आपको जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं 2,40,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो वाई की या जो भी नाम है पर्सन का, जेड की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, क्वेश्चन में वाई की सैलरी है, वाई की सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर वाई सैलरी एंड आफ्टर मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर बंदा कौन है, वो आउटसाइडर है, वाई कौन है, पार्टनर है, पार्टनर को जो भी एक्सपेंस पे कर रहे हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आना चाहिए, मैनेजर को जो भी आप पे करोगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए, समझो, वापस दो बातें मैंने क्या बोली, मैनेजर इज आउटसाइडर एंड व्हाटएवर बी द एक्सपेंसेस हम मैनेजर को जो भी पे करेंगे, व्हाटएवर द कमीशन पेड टू द मैनेजर इज डेबिटेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर, बिकॉज मैनेजर इज अ आउटसाइडर एंड व्हाटएवर द सैलरी वी विल पे टू वाई is debited into profit and loss appropriation account because Y is a partner, clear? तो जो partner को pay करना है उसे P&L appropriation में आना चाहिए, जो manager को pay करना है वो profit and loss account में जाना चाहिए, these are the two key points। अब बात आती क्या है इस question में कि सर हमने Y को तो salary चुका दी, हमने गलती क्या कर दी, Y को salary profit and loss account के debit में debit करके pay कर दी, तो क्या ऐसा होना चाहिए, आंसर इज नो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाई की सैलरी तो आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन में दोगे, तो सबसे पहले हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो हमने गलती की उसको सुधार रहे हैं, सुधारने का मतलब क्या है, वाई को जब हमने सैलरी डेबिट कर दी थी यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिख दी होगी, दिख नहीं रहा आपको यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है, बट क्वेश्चन इज सेइंग कि लिख दी है आपने ऑलरेडी डेबिट में, तो कोई बात नहीं, इसे क्रेडिट में लिख करके इसके इफेक्ट को नलीफाई करो, बाय वाइज सैलरी 60,000 दैट इज पर एनम, है ना। अब ये जो टोटल आता है सर कितना आता है, टोटल 3,00,000 रुपीज, अब इस टोटल पे, इस 3,00,000 पे दिस इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन विच मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% कमीशन, क्लियर, दिस इज द
एक्चुअल प्रॉफिट ऑन विच मैनेजर इज एंटाइटल टू रिसीव 5% कमीशन। सो अब मैनेजर को जो कमीशन दी जानी चाहिए थी वो दिया नहीं है, तो अब दे दो। दिस इज ओमिशन वाला एरर, हम भूल गए मैनेजर को कमीशन देना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट कर दो। मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो 3 लाख पे 5% दिया जाएगा, वो 15,000 आएगा। क्लियर? 3 × 5 = 15 होता है, और बाकी का जो बचा वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाला जाएगा, जो कि प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर 3 लाख में से अगर 15,000 चला गया तो 2,85,000। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई नो, मुझे पता है कि आपको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि सर आपने ये बना दिया, अब आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे। थोड़ी देर मेरे साथ बने रहो यार, पक्का समझ आएगा। देखना, इसके जस्ट बाद हमने आपको पढ़ाया कि सर प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये 3 लाख वाला जो टोटल है ना, ये आप मारते रहिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर? देखिएगा, यहां पर मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 2,85,000। क्लियर? नाउ 2,85,000 में से अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो सैलरी देनी है वो दे दो। तो टू यहां लिख देंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना है देखिए भाई, 6% या 5% है? 15th क्वेश्चन में 5% ही है। दो पार्टनर है एक्स और वाई, मैं उसके आगे कैपिटल वर्ड लगा देता हूं। तो एक्स की कैपिटल है 8 लाख, 8 लाख का 5%, देखिए डायरेक्टली 40,000 मुझे पता है, 8×5=40 होता है, तो आप 40,000 लिख दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेशन करके लिखिए भाई, आप यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं 8 लाख का 5%। और वाई की कैपिटल है 6 लाख, तो 6 लाख का 5% दैट इज 30,000। तो टोटल 70,000 रुपीज की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पे कर। ये जो इधर वाली साइड में मैंने लिखा ना, सिर्फ मैंने फिगर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा, 8 लाख का 5%, 6 लाख का 5%, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके, नेक्स्ट इज सैलरी जो हमें देनी थी वायर को, बस वो दे दो इधर टू ऐसे सैलरी, और चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो वायर का कैपिटल 60,000। क्लियर? बाकी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स और वाई। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा? वही जो मैंने आपको बताया, 285 में से 130 लेस कर दो, 130 क्या तो 155 बचेगा। अब 155 को 3:2 में डिवाइड करो, 155 को 3:2 में, 3:2 में डिवाइड करना। तो आप बेटा देखिए, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूं आपको, एक्स का 1,55,000 इंटू 3/5, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 31,000 इंटू 3 93,000 एक्स का हो जाएगा, और 62,000 वाई का हो जाएगा। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको नीचे वाला कैलकुलेशन, बस मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, 93,000 62,000 टोटल विल बी 1,55,000। टोटल तो आएगा 285 लगा देना, 155 इज द प्रॉफिट। ये इधर खत्म हो गया, 285 का टोटल और 285 का टोटल ही यहां पर आ जाएगा नीचे। ठीक है, हो सकता है देखिए ना आपको एसएस ले ले भाई। ये एक तो अल्टरनेट है ये, जिसमें आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते, एसएस ले ले बच्चे सब। क्लियर है बच्चों? चले आगे। देखिए, एक तो अल्टरनेट ये है, अब इसी का एक और तरीका समझिए। आपसे क्वेश्चन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं पूछा था, आपसे क्या पूछा था? केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मुझे अगर इसको मर्ज करना हो और केवल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? देखिएगा, हटा देते हैं इसको पूरा, दोनों को मर्ज करेंगे अभी, है ना? हाँ बेटा, देखिए मर्ज करने के लिए ना मैं ये वाली चीज को बस
ऐड कर देता हूं, थोड़ा सा ऊपर से मुझे ये रफ करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट टू में कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं, जो आपने पहले पढ़ा था वही है। देखिएगा मैं सिर्फ यहां तक इसको ऊपर तक ले जाता हूं और ये जो प्रॉफिट है ये मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। देखिएगा कैसे कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन इसी तरीके से है आपको बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है केवल, सारी कैलकुलेशंस वैसे ही होगी जैसे आपने की है। क्वेश्चन 15 का ऑल्टरनेट टू, ठीक है। देखिएगा यहां पर आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट दे रखा है वो है 2,40,000, क्लियर। इसमें 60,000 रुपीज जो आपने वाई की सैलरी चार्ज कर दी है उसको कर दो आप ऐड, वाई का सैलरी 60,000, टोटल आ गया 3,00,000। वहां पे भी तो यही किया था अपने, पीएनएल अकाउंट बनाया था तब वहां पे भी तो ये ऐड ही किया था। अब इस 3,00,000 में से आप लेस कर दो जो मैनेजर का कमीशन बनता है, वो मैनेजर का कमीशन इस 3,00,000 का 5%, जो कि 15,000 आता है, 15,000 रुपए ये माइनस कर दो, ये 2,85,000 आपका प्रॉफिट आ जाए। इस प्रॉफिट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 285 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, ठीक है। जैसे अभी मैंने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, फिर ये प्रॉफिट। आई बात समझ में? मतलब जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वाई का सैलरी लॉस किया उसे मैंने यहाँ ऐड कर दिया, और जो मैनेजर का कमीशन मैंने डेबिट किया था वो मैंने माइनस कर दिया। ये नहीं कह रहे लेस ना, इधर इसको डेबिट में लिख सकते हैं कि अपन यहाँ पे लेस ना करके? नहीं भाई, नहीं नहीं लिख सकते डेबिट में, नहीं लिख सकते डेबिट में आप मैनेजर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक इतनी सारी बात बताई थी, मैनेजर को जो कमीशन पे कर रहे हो वो कौन है? आउटसाइडर। आउटसाइडर को जो भी पेमेंट आप करते हो वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम्स कहाँ डेबिट होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप इसको यहां से माइनस करने की बजाय यहां पे डेबिट करोगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं हो जाएगा क्या? समझ आया? इसलिए इसको यहां पे डेबिट नहीं करना, क्लियर है। चलिए एक बार एसएस ले लीजिए ऑल्टरनेट टू का।